हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिटर्मिनेट एवं इनडिटर्मिनेट टमाटर किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं कि डिटर्मिनेट टमाटर और इनडिटर्मिनेट टमाटर क्या होता है। तो देखिए, डिटर्मिनेट टमाटर और इनडिटर्मिनेट टमाटर जो है वह टमाटर का प्रकार है, ठीक है। तो टमाटर के पौधों के बढ़ने की प्रकृति के आधार पर या पौधों के बढ़ने की आदत के आधार पर जो टमाटर के पौधे हैं उसको दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है डिटर्मिनेट टमाटर और दूसरा है इनडिटर्मिनेट टमाटर, ठीक है। अब आगे हम विस्तार से देखेंगे, समझेंगे कि डिटर्मिनेट टमाटर क्या है और इनडिटर्मिनेट टमाटर किसे कहते हैं, ओके। तो सर्वप्रथम हम डिटर्मिनेट टमाटर क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो हम डिटर्मिनेट टमाटर की परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। टमाटर की वह प्रजाति जिसमें पूरे फसल मौसम में टमाटर के पौधों की वृद्धि एक निश्चित ऊंचाई तक होती है, पौधे में फल आने पर पौधे का विकास रुक जाता है तथा पौधे के सारे फल आमतौर पर एक साथ पकते हैं, उन्हें डिटर्मिनेट टमाटर कहते हैं या वे डिटर्मिनेट टमाटर कहलाते हैं। क्लियर इतना? तो डिटर्मिनेट टमाटर हम किसको कहेंगे, तो टमाटर की वह प्रजाति या वह प्रकार जिसमें पूरे फसल मौसम में टमाटर के पौधों की जो वृद्धि है वह एक निश्चित ऊंचाई तक होती है, या ये कहे कि इस प्रकार के टमाटर में टमाटर के जो पौधे होते हैं वह एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ते हैं, उसके बाद उन पौधों की वृद्धि जो है अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि पौधे में फल आने पर पौधे का विकास रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि टमाटर के पौधे में जैसे ही फूल आया या कली बनी या फल का निर्माण हुआ, उस समय पर टमाटर का जो पौधा है वह वृद्धि करना बंद कर देता है, ठीक है, बढ़ना बंद कर देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधे में फल आने के पश्चात पौधे का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो इस प्रकार के टमाटर के फल होते हैं, डिटर्मिनेट टमाटर के जो फल होते हैं वे आम तौर पर एक साथ पकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेट टमाटर में जो भी टमाटर के फल लगे होते हैं वे सारे के सारे लगभग एक साथ एक ही समय पर पकना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का टमाटर का जो पौधा होगा उसे क्या कहेंगे, उसे डिटर्मिनेट टमाटर कहेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को डिटर्मिनेट टमाटर क्या होता है, किसे कहते हैं, यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ओके। चलिए अब हम इनडिटर्मिनेट टमाटर को समझते हैं कि इनडिटर्मिनेट टमाटर क्या होता है या इनडिटर्मिनेट टमाटर किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनडिटर्मिनेट टमाटर की परिभाषा नीचे दी हुई है, तो इनडिटर्मिनेट टमाटर की जो परिभाषा है उसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। टमाटर की वह प्रजाति या प्रकार जिसमें पूरे फसल मौसम में टमाटर के पौधों की वृद्धि लगातार होती रहती है, ओके। पौधे में फल आने के बाद भी पौधे का विकास जारी रहता है, ठीक है, तथा पौधे के सारे फल आमतौर पर अलग अलग समय पर पकते हैं, तो इस प्रकार का जो टमाटर है वह इनडिटर्मिनेट टमाटर कहलाता है। क्लियर है? तो इनडिटर्मिनेट टमाटर किसे कहेंगे या क्या होता है, तो टमाटर का वह प्रकार या वह प्रजाति जिसमें पूरे फसल मौसम में टमाटर के पौधे की जो वृद्धि है वह लगातार होती रहती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के टमाटर के जो पौधे हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, इनकी वृद्धि जो है वह रुकती नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के टमाटर के पौधों में फल आने के बाद भी टमाटर के जो पौधे हैं वो विकास करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधे का विकास जो है वह जारी रहता है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे हमने डिटर्मिनेट टमाटर में देखा था कि उसमें पौधे में फल या कली आने के बाद में पौधे का जो विकास है, वृद्धि है, वह रुक जाता है, ठीक है। लेकिन इनडिटर्मिनेट टमाटर के जो पौधे होते हैं वो फल या कली आने के बावजूद भी वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग समय पर फ्रूटिंग्स होता है या अलग अलग समय पर फल आते हैं, ठीक है। अब चूँकि इनडिटर्मिनेट टमाटर जो है उसमें उसके पौधे में अलग अलग समय पर फल आ रहे हैं, तो उस आधार पर जो उसके फल है वो भी अलग अलग समय पर ही पकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो टमाटर होता है या टमाटर का जो पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इनडिटर्मिनेट टमाटर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे आप लोग,
डिटर्मिनेट टमाटर के जो पौधे होते हैं वो आकार में छोटे और मोटे होते हैं, उनके जो तने होते हैं अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। वहीं इनडिटर्मिनेट टमाटर के जो पौधे होते हैं वो आकार में लंबे होते हैं और उनके तने जो होते हैं पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये तो था डिटर्मिनेट टमाटर और इनडिटर्मिनेट टमाटर क्या होता है उसकी परिभाषा। आई होप आप लोग को डिटर्मिनेट टमाटर और इनडिटर्मिनेट टमाटर क्या होता है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।